रियर सस्पेंशन। रियर सस्पेंशन में एक मजबूत चेसिस के साथ एक फ्लेक्सिबल स्प्रिंग और चिमटों के साथ आयल सागर का प्रयोग किया जाता है। यह रोड के झटकों को इतना कम कर देता है कि चालक को पता ही नहीं चलता। कारों में साकर का इस्तेमाल झटकों को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। जब साकर बेकार हो जाते हैं तो कोर के साकर के वजह से जंपिंग के समय झटके उत्पन्न होते हैं। उन झटकों से गाड़ी के कई पुर्जों में प्रॉब्लम आ जाते हैं, ड्राइविंग करने में बाधा पैदा होती है, इसलिए कारों के साकर बदलने पड़ते हैं। कारों के साकर स्प्रिंग और हाइड्रोलिक सिस्टम पर काम करते हैं। झटकों की वजह से चेसिस में कई तरह की प्रॉब्लम आ जाते हैं। साकर खराब हो जाते हैं जिससे आवाज़ उत्पन्न होते हैं।